जैसा कि गारमेंट से रिलेटेड हमारा काम है, तो उसके हवाले से मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल था कि हमारे यहाँ बाज़ों का जो है टी शर्ट्स और शर्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ लोगोज़ आते हैं, जिसमें वो जानवर का भी लोगो होता है जैसे घोड़ा वगैरह, तो उसके हवाले से थोड़ी रहनुमाई दरकार थी कि उसको बेचना कैसा है, और बाज़ों का लोग जो है मतलब ये सवाल करते हैं कि इसके अंदर जो है अगर ये ले लिया जाए तो इससे नमाज हम अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जज़ाकअल्लाह खैरा। लिबास का एक उसूल फुकहा ने बयान किया है कि जिस लिबास का पहनना जायज़ नहीं है उस लिबास में नमाज मकरूह तहरीमी होगी। अब जैसे तस्वीर किसी लिबास पर लगी हुई है और तस्वीर के ताल्लुक से फुकहा लिखते हैं कि ज़मीन पर अगर रख कर देखें तो चेहरा जो है उसका वाज़े हो, अगर ऐसी तस्वीर का लोगो है यानी लोगो में वो तस्वीर लगी हुई है तो ऐसे लिबास का पहनना जायज़ नहीं है, और ऐसे लिबास में अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी इबादतें हमारे साथ हैं, हम इबादतों को अदा फरमाते हैं, तो हमारा लिबास, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन सारा का सारा इस्लामी तालीमात के मुताबिक होना ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें क्यों बनाई जाती हैं, क्यों उनको तरजीह दी जाती है? कोई अगर ब्रांड भी ऐसा कर रही है तो आप ख़रीदें ना, ब्रांड खुद नीचे आ जाएगी। तो तस्वीरों के मामले में ख़ास तौर पर एहतियात करनी ज़रूरी है क्योंकि हमने नमाज भी पढ़नी होती है। तो वैसे जो ना तस्वीर एक आवेज़ा करना जिस्म पर, ये दुरुस्त नहीं है। फिर हमने नमाज भी तो अदा करनी है ठीक, और नमाज कैसे अदा करेंगे उसको?